हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का व्लॉग है ऐसे टॉपिक पर जो हैबिट्स वो अपनी लाइफ में लाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पास्ट की बुरी यादें को खत्म करना। यदि अतीत की किसी घटना ने आपके मन में घर कर लिया हो तो उसे याद करके अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें। आगे बढ़े और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि हम जब तक पास्ट में रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम ही इफेक्ट होंगे और हमारा प्रेजेंट भी बेकार होता रहेगा। तो हमें अपनी लाइफ के पास्ट को बिल्कुल अपने मन से, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना है। बिलीव करें, आप अपने आज को बेहतर बना पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहे। अपने अगल बगल ऐसे लोगों का घेरा बनाएं जो हर समय आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छे लोग वे आपके अपने भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, वे लोग जो आपको सिर्फ हमेशा खुश देखना चाहते हो, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, उनसे बात करने पर आपको एक एनर्जी मिलती हो, तो उनसे ही संपर्क में रहे और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहे। उन्हें अपनी लाइफ से दफा कर दे और इग्नोर करे। तीसरा पॉइंट है सूरज निकलने से पहले उठे। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय खुद को दे और ध्यान लगाए। जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचे कि आपको क्या करना है, फिर अपना काम स्टार्ट करें और जो आपकी दिन भर की दिनचर्या है उसे शुरू करें। सूरज निकलने से पहले उठने का मतलब है कि यह वह टाइम होता है जब चारों तरफ शांत ही शांत होता है। इस टाइम अगर खुद को देंगे, अच्छी तरह से अपने आप को जान पाएंगे और आपको क्या करना है इसके बारे में भी सोच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को 20 मिनट की एक्सरसाइज आपके पूरे दिन भर को तरोताजा रखेगी और आप अच्छा फील कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों की हेल्प करना सीखे, बिना फायदे के बारे में भी सोचे। जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाए। अपनी तरफ से जो भी बने एक जरूरतमंद की मदद करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, वो खुशी मिलेगी जिसे आप जगह जगह ढूंढ रहे हो पर आपको नहीं मिल रही। नेक्स्ट पॉइंट है पहले सुने और फिर बोले। बिना सोच समझकर बोलने वाले अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, पहले हम बोल देते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है, अरे हमने क्या बोल दिया। जितना है बोलने की जरूरत उतना ही बोले। पहले पूरी बात को सुन लिया करे फिर बोलना शुरू करे। और नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल का यूज सीमित कर दे, वास्तविक दुनिया में ज्यादा रहे और मोबाइल की लत न लगने दे।
मोबाइल के बगैर आज की लाइफ तो ऐसे हो गई है कि ये है तो हम हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, मोबाइल का भी ऐसा ही है। मोबाइल से हमें अच्छी वीडियो भी देखकर अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं। हाँ, इसमें इतनी ताकत है, पर इसका यूज भी हमें एक सीमित दायरे तक करना चाहिए, जिससे हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सके और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, गुस्से पर कंट्रोल करें। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हमें अपने आप से अलग करता है। हमें गुस्सा तो आ जाता है, फिर उसका जो परिणाम होता है वो वाकई खतरनाक होता है। हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, हम दूसरे के मन को भी परेशान कर रहे होते हैं। दूसरे जैसे वो हमारा हस्बैंड हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे अपने हो सकते हैं। गुस्सा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, बस हमारा ही नुकसान होता है। गुस्से में हम गलत फैसले ले लेते हैं, हम सही सोच ही नहीं सकते। गुस्से से बचने के लिए पहले जिस बात पर गुस्सा आता है उस बात पर बैठकर शांतिपूर्वक अमल करें। आखिर गुस्सा किस बात पर आया? क्या यह बात वाकई गुस्से वाली थी? और दूसरा, हम गुस्से को कंट्रोल एक मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। सुबह या शाम मेडिटेशन करें, यह आपके माइंड को शांत रखेगा और आप हमेशा चिल रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, वो है रोज कुछ ना कुछ पढ़ें। पढ़ने की आदत आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हर पल बदलती दुनिया से वाकिफ रहे। हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें। यह ऐसी हैबिट्स है जो हमारे माइंड को साफ करती है, हमारे माइंड को घर बैठे भी विकसित करती है। एक बुक हमारी अच्छी दोस्त होती है, हमें अकेलेपन से छुटकारा दिलाती है। हम जो चाहते हैं उससे रूबरू कराती है। अगर हम अपनी लाइफ में इन 9 हैबिट्स को अपना लेंगे तो हमारी लाइफ में चेंज देख पाएंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी कही हुई बातें? अगर अच्छी लगी या जरा सा भी आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो आप देख पाएंगे और एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं आगे भी वीडियो लाती रहूंगी। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।